Hi everyone, welcome back to the channel. We are discussing CSI and NET June 2019 paper part C. I hope पहले एक explanation आपको अभी तक समझ में आए होंगे. कोई भी doubt है तो ज़रूर comment कीजिएगा. We are on question number 121 and the table lists characteristic anatomical features and the name of the plants. यहाँ पे anatomical features हैं, यहाँ पे name of the plants है. We have to match. So पहला says prostyle. आपको पता है prostyle किसका characteristic feature है. So prostyle जो characteristic feature है that is of the Selagina. तो इसके आगे वन हो गया. सिफोनेस्टिल, सिफोनेस्टिल जो है हमारा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है राइजोम का. एंड थर्ड इज यूस्टिल, यूस्टिल हमारा है करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है इक्विस्टेटर का. तो इसके आंसर होता है हमारा फर्स्ट. Moving on to question number 122. The table given below provides a list of the female gametophyte features and the plant genera. तो यहाँ पे female के gametophyte features दे रखे हैं, monosporic, bisporic, tetrasporic and यहाँ पे plant genera दे रखा है. हमें match करना है. तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा ही होगा monosporic होता क्या है. monosporic होता है when the female gametophyte develops from a single megaspore से. अगर एक megaspore से हमारा एक gametophyte develop हो रहा है then it is known as monosporic. ठीक है, तो मेगास्पोर क्या होता है, मियोसिस होता है, उसमें डायड बनता है एंड देन टेट्राड बनता है. ठीक है, तो दैट इज अ मोनोस्पोरिक. वेयर एज बायोस्पोरिक क्या होता है, जब मियोसिस के बाद टू मेगास्पोर्स बनते हैं एंड उसमें दोनों में ईच कंटेनिंग टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, मतलब दो मेगास्पोर्स बने एंड दोनों में दो दो न्यूक्लियाई होंगे. क्यों होते, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द साइटोकाइनेसिस एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए आफ्टर सेकेंड मियोसिस डिवीजन के बाद. तो इसलिए उसमें क्या होते हैं, दो मेगास्पोर्स बनते हैं एंड ईच कंटेनिंग टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. वेयर एज टेट्रास्पोरिक में क्या होता है कि ना उसमें सेलप्लेट फॉर्मेशन ही नहीं होती दोनों मियोटिक डिवीजन के बाद. तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल बनता है, सिंगल मेगास्पोर बनता है कंटेनिंग फोर न्यूक्लियाई. तो दैट इज नोन एज टेट्रास्पोरिक. तो हमें अब इनको मैच करना है. सो मोनोस्पोरिक क्या होते हैं, मोनोस्पोरिक एट न्यूक्लियट वाला होता है पॉलीगोनम. ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी नेट में आ चुका है. मोनोस्पोरिक फोर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ओइंथ्रा. देन थर्ड इज बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक एट न्यूक्लियाई होता है हमारा एलियम. एंड देन टेट्रास्पोरिक होता है 16 न्यूक्लियाई वाला, कौन सा हुआ, पेपरोनिमा. तो इसका मैच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सेकेंड. तो ये ज़रूर से ये एग्जाम्पल्स जो है याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन जनरली बहुत आते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए. फॉलोइंग आर द सम जनरलाइजेशन रिलेटेड टू द वुड एनाटॉमी ऑफ द हायर प्लांट्स. ठीक है, सो ए स्टेट्स दैट द एक्सियल सिस्टम ऑफ द कॉनिफर वुड्स कंसिस्ट मेनली और इंटायरली ऑफ ट्रैकियार्ड्स, विच इज एक्चुअली ट्रू. सो ट्रैकियार्ड्स हम जानते हैं क्या होता है, दीज आर द एनलोंगेटेड सेल्स होते हैं जाइलम में दैट सर्व्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल सॉल्ट. सो इन एक्सियल सिस्टम जो ये वाले प्लांट्स होते हैं हायर प्लांट्स, इनमें वेसल्स नहीं होते, वेसल सिस्टम नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. The rays of the conifers typically contains only parenchyma cells. Parenchyma cells के अलावा tracheids भी होता है इसमें. So this statement is wrong. Then third states that the rays of the angiosperm typically contains both sclerenchyma cells and the tracheids, which is actually wrong. इसमें क्या होता है, इसमें parenchyma cells होता है angiosperms में mainly. Angiosperm would may be either diffuse porous or the ring porous, जो कि बिल्कुल ठीक है. सो आपने जैसे ही पढ़ा होगा diffuse porous एंड ring porous में डिफरेंस क्या होता है, मैं एक बार बता देती हूँ. सो ring porous क्या होता है, उसमें जो vessels होते हैं वो different diameter के होते हैं and they are not uniformly distributed throughout the woods. इनका जो development भी होता है वो sudden और rapid होता है. Whereas इन केस ऑफ द डिफ्यूज वेसल्स में क्या होता है, डिफ्यूज पोरस वुड में क्या होता है, ये इनके वेसल्स जो होता है जनरली इक्वल इन डायमीटर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द वुड एंड इनका डेवलपमेंट जो होता है वो स्लो होता है. तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस. सो आंसर इज ए एंड डी. Moving on to next question 124. This is question again from the diversity part. A field ecologist gathers following data in order to study the diversity of the species in the four communities. ठीक है, यहाँ पे communities दे रखी हैं, यहाँ पे species दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे community दे रखी है. सो बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन द इकोलॉजिस्ट ड्रॉज फॉलोइंग कंक्लूजन्स.
प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4 शो स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी विथ ईच अदर. तो आप C1 और C4 को अगर आप देखते हैं तो आप ये देखेंगे सी यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 40 है, 60 है, यहाँ पे 65 है, स्पीशीज 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे एबसेंट है, यहाँ पे 4th एबसेंट है, 5th यहाँ पे प्रेजेंट है, 5th यहाँ पे प्रेजेंट है, 6th प्रेजेंट है, 6th प्रेजेंट है. तो जहाँ पे स्पीशीज 1 प्रेजेंट है वहाँ पे स्पीशीज 4 भी प्रेजेंट है, तो इट कैन शो द स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी. ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है. प्लांट कम्युनिटी C1 एंड C4 एज वेल एज कम्युनिटी C2 एंड C1 शो द स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी विद ईच अदर. देखिए C1 और C4 का तो ठीक है, ये इतना पार्ट तो ठीक है. वॉट विद दी C2 एंड C3? देखो यहाँ पे अगर C2 प्रेजेंट है, यहाँ पे C2 कम्युनिटी में स्पीशीज 4 प्रेजेंट है तो यहाँ पे वो 0 है. वेयर एज स्पीशीज 5 अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे वो एबसेंट है. तो देर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन कम्युनिटी 2 एंड कम्युनिटी 3. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया. देन प्लांट कम्युनिटी C1 इज मोर डाइवर्स और प्लांट कम्युनिटी C4 इज मोर डाइवर्स. तो हमें डाइवर्सिटी हम तब बताते हैं जब हमारा स्पीशीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होता हो, ज़्यादा वेरिएशन ना हो. सो जैसे कम्युनिटी 1 में अगर आप स्पीशीज़ का देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जैसे 90 है तो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, अगेन यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इधर यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट. वेयर एज C4 में अगर आप देखेंगे 40, 65, 40, 45, 50, तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म सा डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट. तो हमारा डाइवर्सिटी जो है हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं. तो इस टेबल से C4 इज मोर डाइवर्स. सो हमारा स्टेटमेंट 4th करेक्ट है, A करेक्ट है. तो आंसर इज 2nd. ओनली कंक्लूजन A एंड D आर करेक्ट.